सोलर नगर निगम में शामिल हुए नए क्षेत्रों में 68 लाख रुपए की लागत से लगेगी नई स्ट्रीट लाइटें। नगर निगम ने करवाया विद्युत बोर्ड में पैसा जमा। सोलन नगर निगम के गठन के दौरान कई ग्रामीण क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं, जहां पर शुरू से ही स्ट्रीट लाइटों को लगाने को लेकर मांग उठ रही थी। इसी कड़ी में नगर निगम ने विद्युत बोर्ड के साथ बातचीत के बाद पूरे क्षेत्र में सर्वे करवाया और विद्युत बोर्ड ने नगर निगम से नए क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए 68 लाख रुपए का बजट दिया, जिसके बाद नगर निगम सोलन ने यह 68 लाख रुपए विद्युत बोर्ड में जमा करवा दिए हैं और अब जल्द ही इन क्षेत्रों में नई स्ट्रीट लाइटें लगने जा रही हैं। नगर निगम की मेयर पूनम ग्रोवर ने इस संबंध में ज्यादा जानकारी दी। अभी जैसे नगर निगम बनी है तो हमारे पास जो नए एरिया मर्ज हुए हैं पंचायत के निगम के अंदर, तो उसमें जो स्ट्रीट लाइट व्यवस्था है वो नहीं थी, तो हमने हाउस से हमने रेजुलेशन डाल के भेजा था और हमने सर्वे करवाया, तो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे को 68 लाख की जो है वो डिमांड आई थी कि आप ये पैसा डिपॉजिट कराओ, तो हमने उनको जो है 68 लाख जमा करवा दिया है। तो वो अति शीघ्र जो है टेंडर उनके 25 को खुलने हैं, मेरी एक्सचेंज साहब से बात हुई थी, तो जैसे वो टेंडर खुल जाएंगे, अवार्ड हो जाएंगे, तो हमारा काम जो है नए एरिया में लाइट के लिए अति शीघ्र जो है शुरू हो जाएगा और सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा जो सोलर लाइटें लगाने का एक मुहिम चल रही है, उसमें कितनी की लाइटें लगेंगी और किन किन एरिया में लगेंगी वो? ये भी जो लाइटें हैं मैंने 17 वार्ड में सबको इक्वल दी हैं। ये हमने अभी ट्रायल बेस पे 100 लाइटें मंगाई थी, अगर हमारी ये सक्सेस होती है तो हम अति शीघ्र और 100 लाइटें मंगवाएंगे। तो अभी तकरीबन सभी वार्डों में लग गई हैं, सिर्फ एक दो वार्ड रह गए हैं जहाँ पे अभी लगनी है और वो हमारा काम जो है उच्च स्तर पे हो रहा है।